फिल्म का स्टार्टिंग सीन हमें ब्यूटीफुल वेलपिल का विज्ञापन दिखाता है। विज्ञापन का दावा है कि गोली एक तरह की दवा है जो महिलाओं के दिमाग की नसों और जीन को पहचानेगी, उन्हें खुद के सबसे खूबसूरत वर्जन में बदल देगी। पहले वर्ष के लिए ब्यूटीफुल गर्ल की गोली हर जगह इसकी लोकप्रियता और असर के कारण बिकती है। कोई भी लड़की जो इसे लेती है तुरंत अपने शरीर और चेहरे की बनावट में बदलाव का अनुभव करती है। इतना कहना काफी होगा कि गोली बहुत असरदार है, लेकिन 2 साल से भी कम समय में महिलाओं को दवा के साइड इफेक्ट महसूस होने लगते हैं। कुछ को गंभीर एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, जबकि कुछ के सेकंड के अंदर ही ब्रेन डेड हो जाते हैं। जांच करने पर पता चला कि गोली ने ज्यादातर महिलाओं के दिमाग पर सीधा असर डाला है, जिससे उनका फ्रंटल लोब आकार में छोटा हो गया है। इस वजह से वे सबसे आसान कामों को करने में कंफ्यूजन और कठिनाई दिखाते हैं। इसके अलावा वे भावनात्मक रूप से लालची हो जाते हैं और उनके दर्द और खुशी की भावना गायब हो जाती है। मानव दिमाग और उनके जीन पर दवा का इफेक्ट वैज्ञानिकों ने गोली बनाते समय जो अपेक्षा की थी उससे कहीं अधिक खराब है। जल्द ही विशेषज्ञों को पता चला कि गोली ने ब्यूटीफुल गर्ल वायरस नामक एक वायरस को जन्म दिया है जो बेहद संक्रामक है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के किस से ही फैल सकता है। इससे संक्रमित कोई भी महिला एक ज़ॉम्बी जैसे प्राणी में बदल जाती है, जिसमें हर पुरुष को किस करती है जो भी उनके रास्ते में हो। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि जिस पुरुष को किस किया जाता है वह संक्रमित हो जाता है और पूरी तरह से एक महिला में बदल जाता है। फिल्म का हीरो कियाओ के नाम का एक युवक है। जैसे ही वायरस पूरे चीन में तेजी से फैलता है, कियाओ के और उसके दोस्त चर्चा करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। वे कियाओ के पिता से एक मैसेज प्राप्त करते हैं और लिविंग रूम में बंदी एक लड़की को देखने के लिए घर जाते हैं। पिता का कहना है कि लड़की कियाओ के का भाई है जो वायरस के कारण एक महिला में बदल गया है। कियाओ के इस पर विश्वास नहीं करता है और लड़की के शरीर की जांच करने की कोशिश करता है, लेकिन पिता कहता है कि उसने पहले ही जांच कर ली है कि यह एक लड़की है। लड़की पिता को किस करने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने उसे कुर्सी से बांध दिया। कियाओ के दोस्त का कहना है कि अगर संक्रमित उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर किस करेगा तो वायरस फैल जाएगा। अचानक पिता के सीने में तेज दर्द उठा। उन्हें पता चलता है कि कियाओ के भाई ने गलती से पिता के हाथ पर किस कर लिया। पिता बेहोश हो जाता है, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि वह मर चुका है वह एक खूबसूरत महिला में बदल जाता है। नई बनी लड़की कियाओ के को चूमने की कोशिश करती है और उसे उसके दोस्त द्वारा रोका जाता है। दोनों इस सच को स्वीकार करते हैं कि कियाओ के का परिवार मर चुका है और उनके सामने बैठी महिलाएं लाश हैं। इसलिए वे उन्हें अकेला छोड़कर बाहर भाग जाते हैं। हालांकि कार के अंदर जाने से पहले एक संक्रमित महिला उनका पीछा करती है। वे सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि वायरस अब नियंत्रण से बाहर फैल चुका है। गलियां उन महिलाओं से भरी पड़ी है जो सभी पुरुषों को उनकी आंखों के सामने किस करती हैं। वे पुलिस के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भी संक्रमित हो गए हैं। जल्द ही उनके फोन सिग्नल काट दिए जाते हैं और वे किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकते। दोनों महिलाओं से घिरी सड़क के किनारे फंस जाते हैं। कियाओ के ने नोटिस किया कि संक्रमित सुंदर महिलाओं पर हमला नहीं करते हैं, इसलिए वह सुझाव देता है कि वे एक पास के मॉल में कपड़ों की दुकान पर जाएं और खुद को बदल लें। लेकिन वे घिरे हुए हैं। कियाओ के दोस्त ने लड़कियों को ध्यान भटकाने और खुद को बलिदान करने की बात रखी। उसका कहना है कि कई महिलाओं द्वारा किससे बेहतर मरने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा वह कभी भी प्यार में नहीं पड़ा है, इसलिए यह उसके लिए किसी लड़की से मिलने का एकमात्र मौका हो सकता है। ऐसा कहने के बाद वह व्यक्ति संक्रमित लोगों को आकर्षित करते हुए आगे बढ़ जाता है। लड़कियां उसे चूमती हैं और कियाओ के मॉल भाग जाता है। सौभाग्य से मॉल पूरी तरह से खाली है और कपड़ों की दुकान भी। वह आराम करने के लिए सोफे पर बैठ जाता है और समय तेजी से 1 साल बाद आगे बढ़ता है। कियाओ के अभी भी उस स्टोर में रहता है। ब्यूटीफुल गर्ल वायरस ने चीन को अपने कब्जे में ले लिया है और रेडियो के मुताबिक बचे लोगों ने देश के अलग अलग हिस्सों में कैंप बना लिए हैं। हालांकि कियाओ के स्टोर में अकेला रहता है। वह महिलाओं के कपड़े पहनता है और बाहर जाने के लिए विग पहनता है और थोड़ी देर में भोजन की आपूर्ति करता है। ऐसे ही एक दौरे के दौरान वह जांच करने के लिए एक कार में घुसता है, पिछली सीट पर एक महिला को देखता है और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए वह तेजी से भाग जाता है, लेकिन एक संक्रमित महिला स्टोर तक उसका पीछा करती है। जब वह सप्लाई की जांच करता है तो वह उस पर पीछे से हमला करती है, लेकिन कियाओ के सही समय पर एक अजनबी द्वारा बचा लिया जाता है। अजनबी के साथ एक लड़की है जो आश्चर्यजनक रूप से उन पर हमला नहीं करती है। ये पता चला है कि वह वायरस से संक्रमित है, लेकिन उसका शरीर ज़ॉम्बी में बदला नहीं हुआ है। वह आदमी खुद को ली वेई और लड़की को जियोकी के रूप में बताता है। ली वेई एक सर्वाइवल कैंप का सदस्य है और जीवित बचे लोगों की तलाश में है। अपनी यात्रा के दौरान उसने शाओकी को ढूंढा और उसे बचाया। चूंकि वह चीन की एकमात्र ऐसी महिला है जो बदली नहीं है, वह उसे टॉवर नामक स्थान पर ले जा रहा है जहां वैज्ञानिकों का एक ग्रुप ब्यूटीफुल गर्ल वायरस का इलाज खोजने की कोशिश कर रहा है। शाओकी मानवता के लिए एक संपत्ति है जो महामारी को रोक सकती है। ली वेई कियाओ के को सर्वाइवल के कैंप में आने को कहता है क्योंकि मॉल में रहने की तुलना में ये ज्यादा सुरक्षित है।
फिर तीनों उस पार्किंग लॉट पर जाते हैं जहां कियाओके ने एक साल पहले अपनी कार खड़ी की थी। वह इसे फिर से शुरू करने की कोशिश करता है क्योंकि ली वे उन्हें संक्रमितों से बचाता है। जल्द ही कार स्टार्ट हो जाती है और वे सर्वाइवर के कैंप की ओर बढ़ते हैं। एक महिला के रूप में कपड़े पहने एक आदमी बाइक पर उनका पीछा करता है। वह एक राइवल कैंप का जासूस है जो दूसरे कैंप से जरूरत की चीजें लूटता और चुराता है। जब वे कैंप पर पहुंचते हैं तो ली वे शाओकी को उसके मुंह पर एक डिवाइस पहनाता है ताकि पुरुष उसके आसपास सुरक्षित महसूस करे। भले ही वह ज़ॉम्बी नहीं है, फिर भी उसके शरीर में वायरस है, जिसका अर्थ है कि उसका किस घातक है। जब कियाओके ली वेई के साथ अकेला होता है तो वह मुंह के डिवाइस में बदलाव करता है ताकि वह इसे खुद खोल सके। फिर दोनों इन्वेस्टिगेशन कॉप से मिलते हैं जो सबसे साहसी पुरुषों द्वारा बनाया एक ग्रुप है जो शहर में जरूरत की चीजें इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। उनके नेता ली वेई हैं जो अब एक महिला के रूप में तैयार हैं। वे शाओकी को टॉवर पर ले जाने की योजना बनाते हैं और कियाओके को कैंप में सुरक्षित रहने के लिए कहते हैं। शाओकी इन्वेस्टिगेशन कॉप के साथ पास के एक स्टो के लिए अपनी यात्रा के लिए जरूरत की चीजें एकत्र करने के लिए निकल जाते हैं। शिविर में वापस कियाओके राइवल जासूस को अपने कैंप में जियाओकी के बारे में जानकारी देते हुए पाता है। उसे पता चलता है कि शाओकी और बाकी लोग खतरे में हैं और उन्हें बचाने के लिए जाता है। इस बीच राइवल कैंप द्वारा इन्वेस्टिगेशन कॉप और शाओकी पर हमला किया जाता है। वे शाओकी को बंधक बना लेते हैं लेकिन इन्वेस्टिगेशन कॉप के स्नाइपर ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। कियाओके सही समय पर आता है और शाओकी को सुरक्षित स्थान पर लाता है। गोलीबारी तेज हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन कॉप के ज्यादातर सदस्य मारे जाते हैं। बचे हुए एकमात्र व्यक्ति कियाओके, ली वेई और शाओकी हैं। लेकिन इससे पहले कि वे साइट से भाग पाते, राइवल कैंप उन्हें पकड़ लेता है। लीडर शाओकी को सुरक्षित रहने के लिए माउथ डिवाइस पहनाता है और अपने लिए उसका उपयोग करने की योजना बनाता है। लेकिन उसकी योजना तब बर्बाद हो जाती है जब वह डिवाइस को आसानी से उतार देती है। वह लीडर को किस करती है। जैसे ही वह जमीन पर गिरता है और एक महिला में बदलना शुरू करता है, उसके साथी डरकर भाग जाते हैं। बचे हुए तीन अपनी गाड़ी में जाते हैं जो अब संक्रमित महिलाओं से घिरा हुआ है। ली वेई उनसे छुटकारा पाने की पेशकश करता है क्योंकि वह अभी भी एक लड़की के रूप में है। वह उन सभी को मार देता है और तीनों टॉवर की ओर गाड़ी चलाना जारी रखते हैं। जब वे कुछ मिनटों के लिए ड्राइव करते हैं तो ली वेई ने ये खुलासा करते हुए वाहन से उतरने के लिए कहा कि उसे भी किस किया गया है। कियाओके ने शाओकी को टावर पर लाने का वादा किया और ली वेई को अलविदा कहा। रात में दोनों एक सुनसान जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। वे आग के सामने बैठकर पीते हैं। शाओकी अपने मंगेतर के बारे में बात करती है जो एक साल पहले मारा गया था जब वायरस पहली बार फैलना शुरू हुआ था। ये पता चला है कि उसने उसे अनजाने में किस किया और वह संक्रमित थी। कियाओके उसे दिलासा देता है और उसके हाथ को किस करता है। अगले दिन वे टॉवर पर पहुंच जाते हैं लेकिन जब वे आसपास किसी को नहीं देखते हैं तो निराश हो जाते हैं। दोनों मानते हैं कि टावर पर संक्रमित ने हमला किया होगा। जैसा कि वे सोच रहे हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, संक्रमित महिलाओं का एक ग्रुप उन पर हमला करता है। अचानक वे पुरुषों द्वारा पास के एक फैक्ट्री के अंदर से बचाए जाते हैं। ये पता चला है कि टावर वास्तव में एक पुरानी फैक्ट्री है जहां इलाज खोजने के लिए सैनिकों और वैज्ञानिकों का एक ग्रुप इकट्ठा हुआ है। टावर का लीडर जियो चिंग उनका स्वागत करते हैं और उन्हें अपने दाहिने हाथ वाले बिगपी से मिलवाते हैं। वे आगे के रिसर्च के लिए शाओकी के खून का नमूने लेते हैं। फिर वह आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती है जबकि जियो चिंग फैसिलिटी के आसपास कियाओके को दिखाता है। उन्हें पहले लैब में ले जाया गया जहां डॉक्टर हो कुछ खून के नमूने देख रहे हैं। हो एक शराबी है जिसे चीजों को भूलने की आदत है लेकिन वह उनके पास सबसे अच्छा रिसर्च है। फिर कियाओके को लैब के उस हिस्से में ले जाया जाता है जहां संक्रमित लड़कियों को रखा जा रहा है ताकि डॉक्टर उनका अध्ययन कर सके। लेकिन इस सुविधा के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात वह कमरा है जहां छोटे बच्चों को रखा जाता है। जियो चेन का दावा है कि बच्चों को हाल ही में बचाया गया था, इसलिए कियाओके इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। रात में सभी लोग खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। डॉक्टर हो नशे में हो जाता है और बताता है कि एक एंटीडोट बनाने के लिए शाओकी के दिमाग से एक केमिकल निकाला जाना चाहिए और निकालने पर वह तुरंत मर जाएगी। उसके बाद भी मानवता को बचाने के लिए एंटीडोट काफी नहीं होगा। कियाओके जियो चेन को असमंजस में देखता है और महसूस करता है कि वह सब कुछ जानता है। वह जल्दी से जियो चेन को एक तरफ धकेल देता है और शाओकी के साथ भाग जाता है। जियो चेन, बिग पी और अन्य पुरुष उनके पीछे पीछे आते हैं। शाओकी गलती से एक कमरे में प्रवेश करती है और अंदर बिना संक्रमित महिलाओं को पाते हैं। ये पता चला है कि शाओकी अकेली नहीं है जो वायरस से संक्रमित नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि वे और पूछताछ कर पाते, बिग पी ने कियाओके को बेहोश कर दिया। जब वह होश में आता है तो उसे बताया जाता है कि जो महिलाएं वायरस से प्रतिरक्षित होती हैं उन्हें विजडम प्रजाति कहा जाता है। उनके दिमाग में एक दुर्लभ केमिकल है जो एंटीडोट बनाने में मदद करेगा। जियो चेंग ने वायरस का अध्ययन करने और महामारी को समाप्त करने के लिए एक वैक्सीन बनाने के लिए उनका उपयोग करने की योजना बनाई है। हालांकि उसका मकसद अच्छा है लेकिन वह महिलाओं को किसी ऐसी चीज के लिए मारने की योजना बनाता है जिसकी गारंटी भी नहीं है।
इसके अलावा उसने जबरदस्ती अपने आदमियों को पकड़ी गई विजडम प्रजातियों के साथ मिलन कराया ताकि उन बच्चों को जन्म दिया जा सके जिन्हें क्योंके ने पहले देखा था। जब महिलाएं मर जाती हैं, तो वह बच्चों को एंटीडोट के रूप में उपयोग करने की योजना बनाता है क्योंकि वे भी विजडम प्रजाति से संबंधित हैं। कियाओ के जियो चेंग को मानवता की खातिर उसकी योजना में मदद करना स्वीकार करता है, लेकिन आखिरी बार शाओकी से मिलने के लिए कहता है। वह उससे मिलता है और जियो चेंग की मदद करने के अपने फैसले के बारे में बताता है। शाओकी निराशा में उसे देखती है, लेकिन जाने से पहले कियाओ के ने जियो चेंग से कहा कि जब महिलाओं को सर्जरी के लिए बाहर लाया जाए तो वह उनके मुंह पर पहनने का डिवाइस लाए। शाओकी को संकेत मिल जाता है और वह सभी लड़कियों को समझाती है कि वे मुंह पर लगने वाले डिवाइस को अपने दम पर कैसे उतार सकती हैं। अगले दिन लड़कियों को सुंदर कपड़े पहनाए जाते हैं और ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। उन्हें माउथ डिवाइस पहनने के लिए भी कहा जाता है, जिसे कियाओ के ने चुपके से मॉडिफाइड किया है। जैसे ही ऑपरेशन शुरू होता है, वे डिवाइस को उतार देते हैं और सभी डॉक्टरों को किसकर उन्हें संक्रमित कर देते हैं। इस बीच कियाओ के उस एरिया में जाता है जहां संक्रमित महिलाओं को रखा जाता है और उन्हें मुक्त कर देता है ताकि वे जियो चेंग के पुरुषों पर हमला कर सके। उनकी योजना काम करती है और लड़कियां आखिरकार आजाद हो जाती हैं। वे अपने बच्चों को ले आते हैं और शाओकी के साथ फैक्ट्री से भाग जाते हैं, जबकि कियाओ के रेडियो के जरिए चीन के आसपास बचे लोगों को टावर की सच्चाई की घोषणा करने के लिए रहता है। जल्द ही उस पर जियो चेंग द्वारा हमला किया जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। जियो चेंग उसे मारने वाला है, लेकिन शाओकी सही समय पर आती है और कियाओ के को बचाती है। हालांकि संघर्ष के दौरान शाओकी को चाकू मार दिया गया। अंत में शाओकी और कियाओ के ने रेडियो के जरिए जीवित बचे लोगों को टावर की सच्चाई की घोषणा की। वे जानते हैं कि शाओकी के लिए चोट से बचने का कोई मौका नहीं है, लेकिन कियाओ के ने उसे अकेले मरने से मना कर दिया। अंत में वे फैसिलिटी को उड़ाने और प्रक्रिया में खुद को बलिदान करने के लिए विस्फोट करने वाले दो तारों को आपस में जोड़ते हैं। बाहर जीवित विजडम प्रजातियां अपने बच्चों के साथ जलती हुई जगह को देखती हैं और यहां फिल्म समाप्त हो जाती है।